अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे और हम भी ठीक हैं अल्लाह करम से, और सबा भी आज थोड़ा सा ठीक है। तो आज है 8 तारीख और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि आज सबा के स्कैन होना है। तो जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबा बहुत घबरा रही है, तो बस आप लोग दुआ करिए और अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। हम लोग जाते हैं स्कैन करा के, फिर आते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या होगा आगे। तो घबराहट दोनों को बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो कोई नहीं, चलो। तुम्हारी चप्पल है? फिर पूरे 15 दिन के बाद सबा इस रूम से बाहर निकली है, 15 दिन के बाद ना। अच्छा लगा? बढ़िया, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत से हर चीज़ होती है। बस डरने का नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पहले से ठीक है, सबा भी पहले से ठीक है। तो जैसा हमें आपको बताना था कि 8 तारीख को सबा का स्कैन था, तो सबा अंदर थी, मैं बाहर बैठा हुआ था वहाँ पे, और मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं अंदर क्या होगा। लेकिन एक उम्मीद थी कि दिल में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने बोला था तो सबा ने वैसे ही प्रॉपर तरीके से पूरा बेड रेस्ट वो किया। एक उम्मीद हो गई थी कि हाँ चलो ठीक है, अभी सब कुछ सही हो गया है तो शायद सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर ने पहले ही बोला था भाभी लोगों से कि बच्चे की हार्ट बीट कुछ ऊपर नीचे है। सबा को भी शायद थोड़ा सा डॉक्टर ने हिंट किया था कि हाँ ठीक है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बच्चे की हार्ट बीट ऊपर नीचे है। तो उस हिसाब से लग रहा था कि ठीक है हार्ट बीट है और अभी सबा भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, ठीक हो गई है तो ठीक हो जाएगी सबा। तो सबको एक उम्मीद हो गई थी। और जब डॉक्टर ने स्कैन किया, अंदर इसको ले गया स्कैन किया, और मैं तो बाहर था, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे आवाज़ दी कि आप अंदर आ जाइए, आप इनके हस्बैंड है। तो मैं अंदर गया तो डॉक्टर बोले कि आप आए हैं, और मुझे ये था कि मतलब मैं आपको कुछ पूछा था कि उनको बुलाना है, बताना है। मुझे लगा कि कुछ अच्छे के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर रूम में एंटर कर रहा हूँ तो सामने वहाँ पे एक बंदी बैठी थी, तो भी डॉक्टर की, तो मुझे हल्का सा मुस्कुराई, तो मुझे लगा कुछ मेरे लिए कुछ गुड न्यूज़ होगी। बट डॉक्टर ने जैसे मैं पास में गया तो सबा वहाँ पे चुपचाप बैठी, तो मैं समझ गया कि सबा अगर कुछ नहीं बोल रही तो कुछ गड़बड़ है। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं है। तो वो जो पल था, मतलब मुझे लग रहा था कि क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो गया। मैं सबा को देख रहा हूँ और सबा मुझे देख रही है, और बस उसके बाद कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें। वहाँ से बाहर निकले, फिर डॉक्टर के पास हम गए, तो सबा ने वहाँ तक बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन जब डॉक्टर के पास गई ना तो वहाँ इसने रो दिया। फिर आगे मैंने डॉक्टर से बात करी क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्टर ने बहुत समझाया सबा को, उसने मुझे भी समझाया, फिर मैं घर वालों के भी हमने बताया, फिर मैं घर लेके आया। डॉक्टर ने अगले दिन हमको सुबह 6:30 बजे बुलाया, फिर हमको वहाँ पे 6:30, मतलब वो दिन हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, और आप लोग समझ सकते हैं कि वाकई सबके लिए बुरा दिन होगा। 6:30 बजे हम निकले थे यहाँ से, उस दिन हम पूरी रात नहीं सोए थे, पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। तो हम वहाँ सुबह गए और डॉक्टर ने बोला कि 8:30 तक का हम आगे प्रोसीजर के लिए OTP ले जाएंगे। वो जो टाइम था ना, उस वक्त मैं और भाभी सबा से बातें कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन उस दिन मैंने सबा को देखा, पहली बार मैंने उस सबा को देखा कि जो इतनी अंदर से स्ट्रांग है। मुझे लग रहा था कि ये कैसे OT में जाएगी, इतना डरती है हर चीज़ के लिए, अकेले इसको जाना था वहाँ पर, क्योंकि अंदर तो किसी को लेके जाते नहीं वहाँ पर। लेकिन सबा ने उस दिन हिम्मत दिखाई, रोई नहीं, घबराई नहीं, बल्कि वो उस दिन हमें समझा रही थी कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, और अंदर जाती जा रही मुझसे कह रही हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। और अंदर इसको डॉक्टर, मतलब जो भी होता है उनका प्रोसीजर, एनेस्थीसिया वगैरह जो भी इंजेक्शन के लिए, उसके लिए ले गए अंदर वहाँ पे। उसके बाद मैं जाके बाहर बैठ के, ऊपर घबराहट उस दिन बेचैनी तो हो रही थी, अकेले अंदर ये क्या होगा, क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ ना किस तरीके से इसका कितना नाजुक दिल है इसका। तो बस मैं जाके बाहर बैठ गया, और 15 मिनट के बाद मेरे ख्याल से डॉक्टर आती है कि सनी सबा ठीक है। तो थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुकून आया, मैंने भाभी को फ़ोन करके बताया कि भाभी अब सबा ठीक, मतलब उसका हो गया है, और 15 से 20 मिनट में उसको रूम में जाके शिफ्ट करेंगे। तो उस दौरान जो जो चीज़ें थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे बना मैंने वो आप लोगों के लिए शूट कर लिया था, जब सबा को लेके जाए थे, जब सबा को लेके आ रहे थे। कुछ तुम भी बोल दो, अब मैं तो मतलब हम सब ने, सनी ने बहुत ज़्यादा अपने तरफ से पूरी कोशिश की, पूरा ख्याल रखा, पूरे घर वालों ने, आप सब ने बहुत सारी दुआएं की, बहुत हिम्मत दी। वो जो टाइम था ना वो हिम्मत से कट गया, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था ठीक है। जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वो बेहतर ही होता है, और दुनिया में बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है, तो बस अल्लाह ताला, मतलब हम तो हर चीज़ में, हर हाल में हमें सब्र करना है, बाकी देना ना देना वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला के हाथ में है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा है, अभी सही हो जाओगे फिर घर चलते हैं। कितने बज गया? अभी टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है, यूनू आ रही है, सो जाओ। तुमने कुछ खाया? हाँ मैं खा लूँ, बस तुम अभी तुम रिलैक्स हो जाओ आराम से, कोई तकलीफ नहीं हुई ना, बस ठीक है। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर खाना देगा, फिर खाना खा लेना, बस थोड़ी देर में अभी सही हो जाएगी। मतलब इतने लोग फिक्रमंद थे तुम्हें लेके कि लोग मैसेजेस भी कर रहे थे,
और मुझे भी लंबी इनके पास नंबर था, उन लोग मुझे कॉल कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सबको बताऊं, तो फिर हमने सोचा कि अब बता देते हैं। तो सभा, क्योंकि सभा जिस दिन से आई उस दिन से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है हम लोग उसको। ठीक हूँ बस। हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसलिए ठीक क्योंकि हम लोग उसकी हिम्मत दे रहे हैं और उसको भी थोड़ा सा। जब ये कहते थे ना बार बार कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बड़े बड़े औलाद कभी कभी अल्लाह ले लेते हैं, तो वो कैसे सब्र करते हैं, वो कैसे सब्र करते हैं, तो बस ये चीज में सब्र आ जाता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, तो हम भी उनमें से एक है, अल्लाह की मर्जी है बाकी उन्होंने क्या बेहतर सोचा है। तो बस जिंदगी में इंसान के अच्छे बुरे दिन आते हैं और वो भी कट जाते हैं। हमारी जिंदगी में बुरा दिन आया, अल्हम्दुलिल्लाह कट गया, ठीक है जो भी है अल्लाह की मर्जी। तो बस अब तुम्हें हिम्मत दिखाना है और हिम्मत से रहना है, ठीक है। और बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि सभा का ध्यान वहाँ से हटाऊँ, क्योंकि उसके जब भी वो अकेले होगी ना तो उसका दिमाग वहीं सब चीज़ों में चलता है। फ्रेंड्स अब आप सब बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिएगा, मैं ठीक हूँ। आप सब ने जो सोचा था, जो दुआएं की थी, हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ, लेकिन जैसे अभी सनी ने कहा और हमेशा हमने सुना है कि अल्लाह की मर्जी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तो बस वही है। और सनी इतनी देर से इतना स्ट्रांगली सारी चीज़ें बता रहा था क्योंकि मुझे तो बताने की भी हिम्मत नहीं थी, और उतना ही सनी को भी बुरा लगा है, उतना ही बुरा है, लेकिन एक लड़कों में होता है ना कि वो स्ट्रांग रह के सपोर्ट करते हैं और अपना इमोशन नहीं दिखाते हैं। काफ़ी बार इसके आंसू आए, काफ़ी बार ये ऐसा हुआ, लेकिन इसे नहीं जताया। इसलिए जब ऑपरेशन वो क्या था वो ओटी में लेके जा रहे थे, जब लेके जा रहे थे, इसलिए उस दिन मैं नहीं रो रही थी स्पेशली सिर्फ सनी के लिए, क्योंकि जो होना था वो हो गया था। अब इससे एक दिन पहले बहुत डर था स्कैन तक, स्कैन के बाद मतलब क्या था, मतलब अब कुछ किस चीज़ के लिए डर था, लेकिन ओटी में जाने का सबसे ज़्यादा डर ये था कि अब पहली बार जा रही थी, कभी मैं ऐसी डरपोक हूँ भी कि लग रहा था दोबारा होश आएगा कि नहीं आएगा। मुझसे बोल रही थी कि पता नहीं मैं जिंदा रहूँगी नहीं रहूँगी, दोबारा वापस आऊँगी नहीं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं फ्रेंड्स, और ये लग रहा था इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो बस इसके लिए ही मैंने बिल्कुल भी नहीं अपने आंसू वो करे। तो बस फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा और अभी हम चलते हैं, फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे मिलते रहें। जी जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।